हे hey फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज लॉन्च हो चुका है दोस्तों। और एस सीरीज काफी कमाल का फोन है दोस्तों इस बार, खास करके सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। उसके कैमरे के बारे में क्या कहना दोस्तों, काफी मस्त है। तो दोस्तों इधर जब एस सीरीज लॉन्च हो रहा था, उधर सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का भी दोस्तों लीक निकल कर सामने आने लगा दोस्तों। पता ही होगा सैमसंग साल में दो फ्लैगशिप फोन लॉन्च करता है, एक एस सीरीज और एक नोट सीरीज। तो दोस्तों नोट सीरीज भी इसी साल लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इस फोन में आपको क्या क्या स्पेक्स वगैरह देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज में जो सबसे अच्छा फोन है और सबसे महंगा भी दोस्तों, वो है S20 अल्ट्रा। तो दोस्तों वैसे भी जब सैमसंग का एस सीरीज फोन लॉन्च होता है तो ओवरऑल हमें पता चल जाता है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में हमें कैसा फीचर्स देखने को मिल सकता है। बस नोट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि एस पेन वगैरह लगा रहता है उसमें, तो वो फीचर कुछ अलग हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नोट सीरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का एक पेटेंट निकल कर सामने आया है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें हमें 3.5 का ऑडियो जैक भी दिख रहा है और चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये फोटो मुझे देखकर लग रहा है कि जैसे कि ये सैमसंग गैलेक्सी S6 एज का फोटो है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये नोट सीरीज का पेटेंट है। और दोस्तों 3.5 का ऑडियो जैक तो आने से रहा, तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ये पेटेंट बिल्कुल फेक है, जो कि इंटरनेट पे अभी थोड़ा वायरल हो रहा है, तो इस पे तो मुझे बिलीव नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लीक्स निकल कर सामने आई है दोस्तों कि इस बार आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में एज डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन वो पूरा वाटरफॉल डिस्प्ले होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कर्व रहेगा डिस्प्ले, जैसा कि आपको दोस्तों ओप्पो के वाटरफॉल डिस्प्ले में देखने को मिला था। और दोस्तों कुछ फोन्स निकले हैं जो वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ में आए हैं, तो दोस्तों कुछ वैसा ही डिस्प्ले आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में देखने को मिल सकता है। 3.5 का ऑडियो जैक तो दोस्तों आने से रहा, ये तो नहीं आने वाला है दोस्तों। आप 3.5 का ऑडियो जैक के बारे में भूल ही जाइए अगर आप कोई फ्लैगशिप फोन लेने का सोचते हैं तो दोस्तों। और दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। 8K वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग आप तो सभी एस सीरीज के फोन में कर सकते हो। तो दोस्तों वो फीचर्स भी आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, सुपर रिजोल्यूशन, 100x जूम दोस्तों, और मे भी आपको इस बार नोट सीरीज में 10x ऑप्टिकल जूम से ज़्यादा देखने को मिल जाए, 15x या फिर 20x देखने को ऑप्टिकल जूम मे भी मिल जाए। तो दोस्तों ये फीचर सभी होंगे ही, और दोस्तों वो सभी फीचर्स आपको नोट सीरीज में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में खास कर देखने को जो मिल रहा है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता हो दोस्तों, जो इस बार सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस लॉन्च हुआ था, तो वैसे ही इस बार भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के नाम से ही आएगा दोस्तों, ये मान के रखिए, 11 नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही नोट 20 और नोट 20 प्लस लॉन्च होगा। तो दोस्तों जो नोट 20 होगा दोस्तों, वो 4G 5G दोनों के साथ में आएगा, लेकिन जो दोस्तों नोट 10 प्लस होगा ना, वो सिर्फ आपको 5G देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 5G ओनली होगा, जैसे कि S20 अल्ट्रा होता है दोस्तों। और मे बी इसमें आप कुछ स्पेक्स वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए, स्क्रीन बड़ा होगा इस फोन का। और दोस्तों इसमें जो एस पेन होगा ना दोस्तों, पिछले बार आपको काफी कमाल का एस पेन देखने को मिला था, तो दोस्तों इस बार दोस्तों एस पेन में और थोड़ी बहुत फीचर्स बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल इतने ही अपग्रेड आपको देखने को मिलने वाला है, नोट सीरीज में कुछ आपको मेजर अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा। वही दोस्तों S20 अल्ट्रा जैसा ही फीचर आपको बस नोट सीरीज में दे दिया जाएगा, कुछ खास कमाल नहीं होने वाला है दोस्तों। कि आप सोच रहे होंगे कि यार दम नोट सीरीज गर्दा कर देगा इस बार, तो दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वही आपको दोस्तों S20 अल्ट्रा जैसा ही फीचर देखने को मिलेगा। वैसे S20 अल्ट्रा काफ़ी कमाल का फोन है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो नोट सीरीज भी कमाल का होगा ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में। देखते हैं दोस्तों अभी और लीक्स वगैरह आएगी ही,
क्या होता है, मैं आप लोगों को तो अपडेट करता ही रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्या राय है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के बारे में? आपको क्या लगता है कि नोट 20 में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकता है, और क्या अंडर डिस्प्ले कैमरा नोट सीरीज में आएगा या नहीं दोस्तों? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है सुझाव चैनल से रिलेटेड को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा नई टेक्निकल वीडियो अपलोड किया। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।